हमारे जीवन में दुख का कारण क्या होता है, जानते हैं दोस्तों इस कहानी से। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस घर लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वह खड़ा तमाशा देख रहा था। वहां तमाशाबिनों की भीड़ भी लगी हुई थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि किसी से तरह उसके घर को जलने से बचा ले। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होते हुए पिता बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया कि पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक नहीं बता पाया। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत ही बड़ा खरीदार मिला था। उसने मुझे मेरे सामने मकान की कीमत 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया, क्योंकि मुझे 3 गुना रकम मिल रही थी। ये सुनकर पिता की जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशाबिन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। बेटा, चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत ही अच्छे दाम पर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी बोले, पिताजी भैया ने ये सौदा कर दिया था लेकिन अब सौदा पक्का नहीं हुआ, अभी भी रहता है, अभी पैसे भी नहीं मिले हैं, अब बताइए इसे जलते हुए घर के लिए कौन पैसा देगा। ये सुनकर पिताजी फिर चिंतित हो गए और सोचने लगे कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, घबराओ मत आप, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिसने बड़े भाई से मकान का सौदा किया था। उसने कहा कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर भी जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिताजी फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही ले लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आए और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या उसके दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग करके देखते हैं तो एक अलग सी
आज़ादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और माइंडसेट पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में बैलेंस बना सकते हैं। ये सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था हमारी दुखों का कारण जो कि हमारा सोच और व्यवहार पर निर्भर करती है। आशा करती हूँ ये मोरल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कहानी वीडियो अच्छे लगते हैं हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तब तक नमस्कार।